मिश्रा, आज आप लोग से जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं गिरफ्तारी। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्या कारण है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे मन में उसके बहुत सारी बातें ऐसी सोचने लगता है, वो डर जाता है और डरने की वजह से पुलिस उसको बाद में परेशान करना शुरू कर देती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप परेशान मत होइए। अगर किसी व्यक्ति मतलब कि स्त्री पुरुष बच्चे भी इसमें आएंगे, अगर किसी नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर उनके परिवार वालों को नहीं बताया गया है तो कोई बात नहीं, आप जो है खुद सक्षम बनिए। इसमें इन लोग के बहुत सारे ऐसे अधिकार बताए गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे अधिकार उनको दिए गए हैं। पहला अधिकार है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपने पुलिस ऑफिसर से पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है, मुझे आपने अरेस्ट कर लिया है। अगर मुझे अरेस्ट किया है तो मुझे आप कारण बताइए। अगर वो कारण नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं, तो इनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो अपराध किया है, अपराध जो संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय। अगर संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस जो है बिना किसी वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर असंज्ञेय अपराध उसने किया है तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं पुलिस उसमें गिरफ्तारी नहीं करती है। वो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप उस पुलिस ऑफिसर से तुरंत पूछिए कि क्या कारण है, मुझे आपने गिरफ्तार किया है। अगर कोई व्यक्ति मौके पे अपराध किया, मौके पे पुलिस आकर के अगर उसको गिरफ्तार कर लेती है तब पर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि अगर मैंने ये अपराध किया है तो आप मेरा अरेस्ट मेमो बना दीजिए। अरेस्ट मेमो अब क्या होता है, अरेस्ट मेमो एक पेपर होता है, कागज़ होता है जिसमें उसमें जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसका नाम पता, IPC की किस धारा के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और उसने कौन सा अपराध किया है, मौके पर किस जो अपराध किया है, हत्या किया है, जो भी उसने अपराध किया है उसमें पूरा डिटेल्स रहता है। डिटेल भरने के बाद उस अपराधी का जो है हस्ताक्षर भी किया जाएगा और हस्ताक्षर करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर होगा उस पुलिस ऑफिसर का डेजिग्नेशन और उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये पहला जो है, सेकेंड इसका जो है अधिकार दिया गया है। अगर इनकेस पुलिस जो है अरेस्ट मेमो नहीं बनाती है तो कोई बात नहीं, जब आप वहाँ पे स्टेशन जाते हैं वहाँ कागजी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई के बाद आपको बता दिया जाएगा आपको इस कारण आपको गिरफ्तार किया गया है। तीसरा अधिकार है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो आप मुझे मेरे एडवोकेट से मिलवा दीजिए। मेरे एडवोकेट से मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है, मैंने ये अपराध किया है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ऐसे कैसे हम आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी डिटेल्स है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे जो ये पुलिस ऑफिसर है उनको नंबर करके आप मुझे मिलवा दीजिए, मुझे थोड़ी संतुष्टि होगी। तो पुलिस का इसमें कर्तव्य है कि 12 घंटे के अंदर जो है उसके एडवोकेट से उसको मिलवा देगा, उसे सूचना दे देगा उस एडवोकेट को, उस 12 घंटे के अंदर सूचना देना आवश्यक है। अगर इन केस अगर गिरफ्तार किसी को कर लिया गया है तो हमारे भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसके परिवार वालों को सूचना देना अति आवश्यक है। अगर परिवार वालों को सूचना नहीं देते हैं तो जो भी गिरफ्तार किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो अगर किसी इसमें उसके परिवार वाले को सूचना दी जाती है तो परिवार वाले जो है तुरंत मौके पर पहुँचना चाहिए और उसके साथ ही रहना चाहिए। कहीं पुलिस टॉर्चर तो नहीं कर रही है, कोई भी जो भी कार्रवाई हो परिवार वाले को जानकारी में होना अति आवश्यक है। अगर पुलिस गिरफ्तार कर ली है तो गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वो न्यायालय में नहीं प्रस्तुत करेगी तो उसके बाद जो गिरफ्तार करने के बाद जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर इन केस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर न्यायालय में नहीं पेश कर पा रही है, कई दिन हो जा रहे हैं, तो ऐसे में परिवार के सदस्य को SP ऑफिस में जा करके एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है और वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ये कारण है, ये जो है मेरे बच्चे की सहायता करिए। तो SP ऑफिस के द्वारा उस पुलिस को सूचना दे करके उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। अब नेक्स्ट अधिकार है, चलिए आपने अपराध भी कर लिया, गिरफ्तार भी कर लिया गया है आपको,
तो आप जो है अपने जो पुलिस ऑफिसर है उससे आप कह सकते हैं कि आप मेरा मेडिकल जांच करा दीजिए, मेरा मेडिकल, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर मेरी मेडिकल जांच हो जाएगी तो मुझे जो है अच्छा रहेगा और मुझे भी संतुष्टि रहेगी। तो पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है कि जो है उसका मेडिकल जांच कराना अति आवश्यक है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167 में अगर उसकी मेडिकल जांच हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के उसकी पुलिस रिमांड नहीं करेगा। जब उसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा, न्यायालय में पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के पश्चात ही उसका जो है पुलिस रिमांड कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो महिला को गिरफ्तार करने के पश्चात महिलाओं को बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि महिला को तो शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता है। अगर इनकेस गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है, अगर उसने ऐसा कोई अपराध है, शाम को 6 बजे के बाद गिरफ्तार करना है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट उस जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट से जाकर के स्पेशल परमिशन लेगा। ऐसा स्पेशल परमिशन अगर दे देती है मजिस्ट्रेट तो वो पुलिस ऑफिसर शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे के अंदर उस महिला को गिरफ्तार कर सकती है। उसका कारण बता सकती, कहीं महिला भाग न जाए अपराध स्थल से, वो उसने अपराध किया, तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसमें ऐसे केसेस में जो पुलिस ऑफिसर होगी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के वो कभी भी शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे के अंदर कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती, चाहे रात के 12। लेकिन गिरफ्तार करते समय महिला पुलिस होना अति आवश्यक है। अगर कोई महिला गिरफ्तार हो जा रही है तो उसको भी जानने का अधिकार है क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे एडवोकेट प्रोवाइड करिए, मेरा भी अरेस्ट मेमो बनाइए, प्रेजेंट टाइम में आपने अपराध स्थल पर गिरफ्तार किया है, या मेरा मेडिकल भी होना जरूरी है, मेरा मेडिकल जाँच होना जरूरी है। अगर बाई चांस वो महिला प्रेग्नेंट हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं वुमेंस के साथ, तो उनका मेडिकल जांच होना कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट है, अगर कोई नाबालिग बच्चा है, कोई नाबालिग बच्चा को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी अलग से प्रक्रिया बताई गई है, क्योंकि हमारे उसमें लॉज में कहा गया है किसी भी नाबालिग बच्चे को कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर सकता है, अपने ड्रेस में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर किसी नाबालिग बच्चे ने अपराध कर दिया है तो उसको जो है एक पुलिस ऑफिसर अपने सिंपल ड्रेस में जा कर के उसको हैंड कफिंग नहीं करेगी, उसको बस हाथ पकड़कर उसको जहाँ भी ले जाना होगा न्यायालय के समय प्रस्तुत करेगी, उसको थाने ले जाएगी, लेकिन उसकी अलग से सुविधा होगी, उसको अलग से रखा जाएगा जिससे बच्चे को डर ना लगे, उसके साथ उस बच्चे के साथ अलग से अच्छा बिहेवियर होना अति आवश्यक कहा गया है। कि अगर कोई भी जुवेनाइल हो तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में, एक सिंपल कोर्ट में नहीं उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उसको जुवेनाइल कोर्ट में प्रेजेंट करके उसने जो भी अपराध किया है वहाँ पे न्यायालय के सामने उसको पेश किया जाएगा। वो मैंने अभी बताया है कि जो गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति हो जा रहा है, चाहे महिला हो, नाबालिग हो, पुरुष हो, तो उनको ये अधिकार जानना बहुत आवश्यक है, सभी को जानना, समाज में सभी को जानना ये अधिकार अति आवश्यक है। अगर उनको ये अधिकार पता होगा, जानने का अधिकार, एडवोकेट चाहिए, फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, मेरा मेडिकल होना चाहिए, मुझे एडवोकेट प्रोवाइड करना चाहिए, और जो है महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकता, अगर ये सब पता होगा तो वो जो है पुलिस भी डर जाएगी कि इसको तो बहुत सारी चीज़ें पता है, तो उसके साथ वो टॉर्चर, गलत बिहेवियर नहीं करती, ना ही उसको टॉर्चर करती है, ना ही उसके परमिशन के बिना, न्यायालय के परमिशन के बिना, मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना पुलिस रिमांड करती है। और ऐसे व्यक्ति को जो है उसको खुद लगता है कि मैंने अपनी सुरक्षा स्वयं की है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।